नमस्कारम। ग्रेकी की लेवल वन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगी बेसिक चक्र के बारे में, जिसको कि कहते हैं मूलाधार चक्र या फिर रूट चक्र। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है और इसके क्या प्रभाव हैं और इसके अवरुद्ध होने पे, इम्बैलेंस होने पर क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस आधार, जहाँ पर मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी माँ के गर्भ से होता है, तो उसकी जड़ें वहीं से होती हैं और उसका आधार भी वही है। आपको पता ही होगा कि शिशु के मनुष्य रूप में आकार लेने से पहले वो मात्र एक मांस का गोला होता है। धीरे धीरे वो मनुष्य शरीर धारण करता है। ये मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है ये चक्र, जिसके कारण इसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ अभिन्न संबंध होता है। जैसे कि किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। अगर आपका मूलाधार मजबूत हो तो जीवन या मृत्यु आप स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है और बाकी चीजों को हम बाद में ठीक कर सकते हैं। हालांकि सभी चक्रों का कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकांश का मानना है कि मूलाधार चक्र स्वास्थ्य तथा समग्र भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म की यादें तथा कार्य को इस क्षेत्र में संग्रहित किया जाता है। यह मानव प्राणियों की चेतना में सीमा रेखा बनाती है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य की नींव तथा व्यक्तित्व विकास की शुरुआत हो जाती है। इस चक्र की वजह से मनुष्य की चेतना, जीवन शक्ति और समृद्धि जैसी विशेषताएं प्राप्त होती है। हालांकि इसके अनुचित कार्य की वजह से अगर ये ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो परिणाम स्वरूप आलस्य तथा आत्म केंद्रित प्रवृत्ति आ सकती है। प्रतीकात्मक रूप से इसे कमल के साथ चार पंखुड़ियों के रूप में दर्शाया गया है, जो अचेतन मन की चार भावनाएं सूचित करती है। इस चक्र का मंत्र है लम। मूलाधार चक्र का तत्व तथा मूल धरा है और इसका जो रंग है वो है लाल। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी स्पाइनल के नीचे मूल छोर पर स्थित होता है। मूलाधार चक्र संबंधित अवयव तथा बीमारियां, इस चक्र द्वारा प्रजनन अंगों, प्रतिरक्षा प्रणाली और बड़ी अतड़ी, इन अवयवों को नियंत्रित किया जाता है। अनुचित तरीके से कार्य करने वाले मूलाधार चक्र की वजह से प्रोस्टेट की समस्याएं, मोटापा, गठिया रोग, वेरिकोज नसें, नीचे भाग की समस्याएं, पेट जो पीठ के निचला भाग है, कूल्हे की समस्याएं, घुटनों में सूजन, खाने में अरुचि जैसी समस्याएं निर्माण हो सकती है। व्यक्तियों की हड्डियों की संरचना कमजोर हो सकती है तथा उनकी शारीरिक संरचना भी अशक्त हो सकती है। अवरुद्ध तथा असंतुलित मूलाधार चक्र से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, अति सक्रिय मूलाधार चक्र होने पर क्या होता है? जब मूलाधार चक्र अति सक्रिय ओवर एक्टिवेट हो जाता है, तब किसी मामले में छोटे कारण की वजह से गुस्से में आक्रामकता जाती है, नाराजगी आ जाती है। छोटे बच्चे में अगर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट है तो उनमें ADHD आ जाता है, अटेंशन डेफिशिएंट ऑर्डर आ जाता है, और ऐसे व्यक्ति दूसरों को दादागिरी करना शुरू कर देते हैं और जो वरिष्ठ जनों के कहनों को नहीं मानते हैं, जो लोग लालची होते हैं तथा भौतिक संसारिक चीजों को अधिक महत्व देने लग जाते हैं, तो उनका मूलाधार चक्र अति सक्रिय हो जाता है। असामान्य रूप से सक्रिय मूलाधार चक्र, या फिर जिनका मूलाधार चक्र कम सक्रिय है, वे लोग अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं, कोई भी एक नौकरी को नहीं रख पाते हैं। व्यक्ति अपने आप को स्थिर रखने में असमर्थ हो जाता है और बाहरी दुनिया से अपने आप को खुद अलग कर देता है। दैनिक कार्य को पूरा करने में उसे कठिनाई होती है और संगठित नहीं रह पाता। और जो लोग अशांत, शर्मीले, अति बेचैन होते हैं, उनका भी मूलाधार चक्र असामान्य रूप से निष्क्रिय होता है। और मूलाधार चक्र जिनका बहुत ही अंडर एक्टिवेट है, वो लोग बहुत आलसी भी होते हैं। अगर मूलाधार संतुलित हो, बैलेंस हो, तो उसके क्या लाभ होते हैं?
मूलाधार चक्र अन्य सभी प्रमुख तथा छोटे चक्रों को जीवन ऊर्जा वितरित करता है। जब मूल चक्र संतुलित होता है, बैलेंस होता है, तो व्यक्ति स्वस्थ होता है और संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव करता है। वह शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाता है तथा निश्चयी हो जाता है।